हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल क्रोम में IDM का एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं। पूरी जानकारी यहां पर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में और यहाँ पर टाइप कर देना है IDM एक्सटेंशन। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन वाले पेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक IDM इंटीग्रेशन एक्सटेंशन दिखाई देगा, लेकिन ये optimila.studios का है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापस बैक जाना है और इस वेबसाइट पर न जाकर आपको यहाँ पर ऊपर देखना है। यहाँ पे लिखा है हाउ आई फाइंड IDM एक्सटेंशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर .com रजिस्टर, और यहाँ पे लिखा है IDM एक्सटेंशन कैन नॉट बी फाउंड इन क्रोम वेब स्टोर विद सर्च बिकॉज इट इज़ यूजलेस विदाउट IDM। तो यहाँ पर हम ये नीचे एक लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि हमारे पास IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल www.internetdownloadmanager.com की तरफ से ये हैं और इसको हम क्रोम में यहाँ से ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा एक्सटेंशन। और ये देखिए IDM यहाँ पर आ गया है मैनेज एक्सटेंशन में, जाकर मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ से इसको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।